नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बुढ़ापा। मम्मा ये बताओ, दादा दादी आपको बहुत परेशान करते हैं ना? हाँ बेटा, पर क्या कर सकते हैं, अब हैं यहाँ तो झेलना ही पड़ेगा। पर क्यों मम्मा, क्यों झेलना पड़ेगा, तुम नहीं समझोगे, रहने दो। एक काम करते हैं मम्मा, इन दोनों को चाचा चाची के घर भेज देते हैं, वो वहाँ 2 दिन भी नहीं रह पाएंगे बेटा। चाची तो दादी को देखते ही तुनक जाती हैं, और चाचा तो तुम्हारी चाची के पल्ले से ऐसे बंधे हैं कि वो उतना ही सुनते हैं जितना चाची कहती हैं। वहाँ इनका कोई गुजारा नहीं होने वाला, तो बुआ को बोल दो ना, ये उनकी भी तो माँ बाप माता पिता है ना, वो ही ले जाएंगे कुछ दिनों के लिए इन दोनों को। तुम भी ना बड़े भोले हो बेटा, वहाँ नहीं जाएंगे दादा दादी, ढकोसला करेंगे कि हम तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकते हैं, तो वहाँ जाकर रहेंगे कैसे? और अगर रहने को तैयार भी हो गए तो तुम्हारी बुआ के 500 बहाने निकल आएंगे, वो कम थोड़े हैं ना हैं, वो भी तो अपनी माँ पर ही गई हैं। क्या मम्मा, मतलब कोई इन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता? एक काम करो मम्मा, इन्हें वहाँ पहुँचा दो, वो मैंने टीवी पर देखा था, कुछ ओल्ड एज होम टाइप से है। अरे वो जो उस दिन मूवी में आ रहा था, वृद्धा आश्रम कहते हैं उसे, मैं भी थक जाती हूँ काम करके, सुबह उठने से सोने तक इनके नखरे झेलना, तौबा तौबा, कब तक आखिर? मैं भी कुछ दिन और देख रही हूँ, नहीं तो तुम्हारे पापा से बात करूँगी कि वो इन दोनों को वहीं छोड़ आएँ। हाँ यही ठीक रहेगा, दादी दिन भर टोकती रहती हैं, टीवी मत देखो, मोबाइल मत खेलो, मैं बच्चा थोड़े ना हूँ, बड़ा हो रहा हूँ, समझदार हो रहा हूँ, ये भी कोई बात हुई भला? अरे मेरे राजा बेटा, इतना गुस्सा, 10 साल के ही हो अभी, मेरी आंखों के तारे हो तुम, इतनी जल्दी बड़े हो जाओगे कभी सोचा ही नहीं था। अब देखो तुम बड़े होते जाओगे और हम बूढ़े होते जाएंगे, फिर तुम्हारी शादी करेंगे, प्यारी से दुल्हनिया लाएंगे। नहीं मम्मा प्लीज़, मैं तो बड़ा हो रहा हूँ, और आप लोग प्लीज़ बूढ़े मत होना। हाँ हाँ क्यों बेटा, बूढ़ा तो सबको ही होना है एक दिन। पर मम्मा आप लोग बूढ़े हो जाओगे और मेरी वाइफ आएगी, तो उसे भी ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा ना, वो भी तरह तरह के आइडिया सोचेगी कैसे आप लोगों को यहाँ से हटाया जाए। नो मम्मा प्लीज़ नो, आप भी दादी के तरह हो जाओगी और मेरी वाइफ को परेशान करोगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक काम करूंगा मैं, मेरी शादी होते ही आप दोनों के लिए एक ओल्ड एज होम बुक करवा दूंगा, जहां आप लोग रह सकेंगे और मैं और मेरी वाइफ भी चैन से रह लेंगे। हाँ हमारा घर है हमारे पास, तुम रहना अपने घर में अपनी वाइफ को लेकर, यही करोगे तुम, पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं और तुम हमें वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे हो, वाह बेटा वाह। मम्मा मैं कहाँ कुछ गलत कह रहा हूँ, दादा दादी ने भी तो पापा बुआ को पाला पोसा ही होगा ना, सभी माँ बाप पालते हैं अपने बच्चों को, उसमें क्या नया है? पर अब जब सब बड़े हो गए हैं तो कोई बूढ़े लोगों को अपने पास नहीं रखना चाहता, तो भला मैं क्यों रखूँगा, परेशानी बढ़ाते हैं ये बूढ़े लोग, मैं भी नहीं रखूँगा, और साइंटिस्ट बनकर कोई ऐसी दवा बनाऊँगा जिससे कि मैं कभी बूढ़ा ही ना हो पाऊँ और मेरे बच्चों को कोई ओल्ड एज होम ना ढूंढना पड़े। अपने बेटे की बातें सुन माँ के शरीर में सिरहन सी दौड़ गई, और जिन आँखों में कुछ देर पहले परेशानी व्यथा गुस्सा दिख रहा था, उन्हीं आँखों में अब सर्म पानी का रूप ले चुका था। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारी कहानियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।